अप्लाइड और फाइन आर्ट के दरमियान हमेशा से लड़ाई रही है। बहरहाल दोनों मीडियम हैं और एक दूसरे की हद को पार करने की कोशिश भी करते हैं। फोटोग्राफी साइंस है। जब मैंने काम शुरू किया था तो इन दिनों साइंस और केमिस्ट्री होती थी। बहरहाल ये आर्ट नहीं है। मौसीकी के हवाले से सोचें तो ये आर्ट भी है और साइंस भी। इस एतबार से फोटोग्राफी आर्ट भी है और नहीं भी। इसमें मैकेनिकल आलात भी इस्तेमाल होते हैं। कैमरे के पीछे जो आंख है वो भी उतनी ही अहम है जितनी ब्रश और पेन के लिए इस्तेमाल होने वाली आंख। जब आप कैमरे के पीछे चले जाते हैं तो सब बेमानी हो जाता है। पेंटिंग आर्ट है, ये हाथ से की जाती है और यही आपकी तख्लीक है। फोटोग्राफी में ये बात जहन में रखें कि फोटोग्राफर ज्यादातर हकीकी तस्वीर ही उतारते हैं, अलबत्ता कुछ तसव्वुराती काम किया जाता है। ताहम ये हकीकत पर मबनी मीडियम है। फोटोग्राफी जिंदगी की हकीकतों की मुकम्मल नुमाइंदगी करती है और ये बास पसपर्दा हकायक भी सामने लाती है। हकायक जानना बहुत ही दिलचस्प अमल होता है। जो तस्वीर मैं देखता हूँ उनके बारे में जानना भी चाहता हूँ, यानी उन लोगों से मुतालिक वो कैसे रहते हैं, उनके चेहरे के तासुरात क्या थे, उनकी अंदरूनी कैफियत के बारे में, इनकी उम्मीदों और ख्वाबों के बारे में। यही वजह है कि उन्हें अच्छा मुकाम मिलता है। इन दिनों ज्यादातर फोटोग्राफर्स पसे पर्दा हकीकत जानने के बजाय तकरीब की सिर्फ कवरेज करके आ जाते हैं। तस्वीर भी बोलती हैं। बाज अवकात तस्वीर के लिए एहतमाम भी करना पड़ता है ताकि वो बोल सकें। उन लोगों की तस्वीर उतारने में ज्यादा दिलचस्पी लेता हूँ जो ऐसे पेशे से वाबस्ता हैं जिन्हें निचले दर्जे का गर्दाना जाता है, क्योंकि वो मेरे काम में मदद करते हैं। मुझे इनके काम की जगहों की ऐसी तस्वीर बनाकर सुकून मिलता है जिसमें इनकी जिंदगी को वाजे किया गया हो। हकीकत यह है कि इनकी आवाज को दबाया जाता है। अभी आप पर मुनाज़िर है कि इन्हें नजरअंदाज करें या फिर इनकी आवाज बने। कई फोटोग्राफर मुझसे कहते हैं हम क्या करते हैं, फाइन आर्ट वाले तो अपना काम गैलरी में पेश करके इसे फरोख्त कर देते हैं जबकि हम अपने काम को घर ले जाते हैं। मेरी राय में ये कहना दुरुस्त नहीं। आर्ट फोटोग्राफी दरअसल ऐसी तस्वीर होती है जो आउट ऑफ फोकस हो और जिसकी इफेक्ट भी दुरुस्त ना हो। आर्ट की तारीफ तब्दील हो गई है। 500 साल इसकी जो तारीफ बयान की जाती थी वो 150 साल कबल तब्दील हो गई और यकीनन आने वाले 150 साल में ये फिर तब्दील हो जाएगी। ये फर्क ऐसा ही है कि जैसे पिकासो अपनी पेंटिंग में कोलाज का इस्तेमाल करता था जिसे देखकर हर कोई कहता ये क्या बकवास है, ये आर्ट नहीं है। ज्यादातर लोगों के नज़दीक फोटोग्राफी आर्ट नहीं है, ये महज तस्वीर है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इसे आर्ट की हैसियत से कबूल नहीं किया जा सकता। ये बात वाज़ा हो चुकी है कि फोटोग्राफी अब क्राफ्ट नहीं रही, अब इसका रुख आर्ट की जानिब है। हमने बगैर कोई वजह ये तसव्वुर कर लिया है कि फोटोग्राफी को आर्ट के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। हाँ ये दुरुस्त है कि ज्यादातर गैलरीज फोटोग्राफी की नुमाइश नहीं करती क्योंकि इनके नज़दीक ये घाटे का सौदा है। बहुत कम नुमाइशें ऐसी देखी हैं जहां आर्ट की कदरदान फनपारे खरीदते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट फनपारे की कदर कीमत का तायुन करती है, अलबत्ता ये किसी भी फनपारे की शर्फ कबूलियत का पैमाना जरूर है। बआसानी इस बात का फैसला कर सकते हैं किसका फनपारा दूसरे से बेहतर है। यकीनन आप इसी को अच्छा कहेंगे जिसके दाम ज्यादा लगेंगे और जो अच्छे पैसे कमाए। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि कामयाबी और नाकामी के इन पैमानों को खत्म कर दिया जाए। ये गैलरी मालिकान और सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर काम करें और इसके लिए म्यूजियम बनाएं। आरिफ महमूद की फोटोग्राफी आर्ट है, यही कुछ अज़दियार के बारे में भी कह सकता हूं। इनका अंदाज और मायने मुख्तलिफ हैं और ये सबसे बढ़कर इनके जो मकासिद हैं वो वाज़ा हैं। अकेडमिक एतबार से ये सब ग्राफिक है, ये आप पर मुनासिर है कि काम के मुताबिक इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आरिफ का ब्लैक एंड व्हाइट काम बहुत अच्छा है, इमारतों और मकामात की अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती भी नहायत वाज़ह तौर पर नजर आती है। तस्वीर से न सिर्फ आपकी शख्सियत झलकती है बल्कि आपके मकसद का इजहार भी होता है और हाँ इससे आप सीखते भी हैं। आरिफ के काम में इंसानियत का अंसर नुमाया है और इससे खामोश अक्सरियत को हौसला मिलता है। जब आप इंसानियत की बात करते हैं
और लोगों को एहतराम देते हैं तो खुद को मुतमईन महसूस करते हैं, जो मेरे नज़दीक घाटे का सौदा नहीं। अगर किसी ने कैमरे के जरिए कराची से मोहब्बत का इजहार किया है तो वो है आरिफ महमूद। 1989 से 2005 के दौरान उतारी गई ये तस्वीर किताबी शक्ल में शाया हो चुकी हैं। इब्तदा में मेरे काम में कंपोजिशन ज्यादा थी, जो किसी न किसी ख्याल का नतीजा होती थी। अब मैं ज्यादातर फितरी काम करता हूँ। आप अपने आप को किसी मखसूस काम का पाबंद नहीं बना सकते। बतौर आर्टिस्ट आपको हर किस्म का काम करना पड़ सकता है। ये वो फन पारा है जो मैंने ड्रीम कैचर नुमाइश में पेश किया था। अज़दियार की नुमाइश द ड्रीम कैचर बहुत अच्छी रही और वक्त के एतबार से मौजू भी। मुझे हमेशा से इसमें दिलचस्पी रही है कि लोग कैसे पेंट करते और कैमरे को इस्तेमाल करते हैं। अज़दियार में ये सलाहियत है कि वो आम सी शहर को भी खास बना देता है और इसके खदोखाल भी यकसर बदल देता है। इस तस्वीर को जेसेज ऑन द स्ट्रिंग का नाम दिया है। ये अलामत है फांसी यानी दुनिया से रुखसती की। आप अपनी जिंदगी को देखें, माजी पर निगाह दौड़ाएं, करीबी लोगों और अजीजो अकारिब को देखें। कुछ रुखसत हो गए हैं, कुछ चले जाएंगे, लेकिन कब मैं नहीं जानता। लोग अमूमन तस्वीर फोटोग्राफर और आर्टवर्क और पेंटिंग आर्टिस्ट से खरीदते हैं, इसलिए मैं समझती हूँ कि फोटोग्राफर्स के पास ज्यादा मौके हैं। बस अपने आप को समझने की जरूरत है। फोटोग्राफर के साथ अक्सर ये होता है कि इसे अपनी बनाई हुई तस्वीर पसंद नहीं आती, लेकिन कुछ अरसे बाद इसे ये तस्वीर अच्छी लगने लगती हैं। मेरे साथ भी यही कुछ होता है। जब तस्वीर देखता हूँ तो कहता हूँ क्या बकवास है, बहुत खराब तस्वीर उतारी हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद एहसास होता है वाकई ये शानदार तस्वीरें हैं। फनकार हमेशा सफर से बहुत कुछ सीखता है। मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूँ जिनका कहना है कि सफर से उनके काम में निखार आया है। फ्रांस इन मकामात में शामिल है जहाँ मैंने बतौर आर्टिस्ट तरबियत हासिल की। वहाँ जाने की मेरी देरीना ख्वाहिश थी। गुज़िश्ता साल मुझे फिर वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा और सीखा। मैं आमतौर पर लोगों की तस्वीर बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। मुझे दिलचस्पी है इमारतों में, मकामात में, टाइम जोन और तारीखी मकामात में। सफर यकीनन ख्यालात में वसत रहता है। मेरे पास बड़ी तादाद में पोस्ट कार्ड्स हैं। पुराने फोटोग्राफर्स की इन तस्वीरों ने मुझे काफी मुतासिर किया है। अगर हमें इस शोबे में मुस्तकबिल बनाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप इन तस्वीर को देखें, ये इन ममालिक की इमारतों की हैं जहां मैं गुज़िश्ता दिनों गई थी। इन ममालिक में गर्मी बहुत पड़ती है। इन इमारतों में छत खासी ऊंची होती है। इसमें रोशनी की जो किरणें दिखाई दे रही हैं वो निस्बतन ज्यादा रोशन हैं। कभी तस्वीर पहले उतार ली जाती है और मानी बाद में समझ आते हैं, और कभी मानी पहले समझ आ जाते हैं और तस्वीर बाद में बनती है। यूं इसका कोई खास जाप्ता नहीं है। मेरे नज़दीक फोटोग्राफी अपनी बात कहने का खामोश तरीका है। मैं जब भी अच्छा काम करती हूं तो काफी चीखो पुकार करके अपनी खुशी का इजहार करती हूं। बाज़ औक़ात यूं होता है कि मैं तवातुर के साथ अच्छा काम करती हूं और बहुत अच्छी तस्वीर हासिल करती हूं। तस्वीर से कई दिलचस्प और जज्बाती यादें भी वाबस्ता होती हैं। बाज़ तस्वीर लोगों को जज्बाती तौर पर ज्यादा मुतासिर करती हैं और बाज़ को देख कर लोग हैरत ज़दा हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि ये कैसी फोटोग्राफी की है, तुम पागल हो जो इसे फोटोग्राफी करार दे रही हो। मेरे ये दोस्त इसे न सिर्फ फोटोग्राफी मानने से इनकार करते हैं बल्कि वो ये समझने से भी कासिर होते हैं कि इन तस्वीर को पेपर पर कैसे उतारा जिससे पेंटिंग की माने लगती हैं। वो ये भी पूछते हैं कि मैंने ये तस्वीर क्यों ली जो देखने में पेंटिंग की तरह लगती हैं और इसके पीछे क्या मंतक है। इस पर मेरा सादा सा जवाब होता है कि बस देखने में अच्छी लगती है। फोटोग्राफी का जो हिस्सा आर्ट बन जाता है वो ये है कि आप पोस्टकार्ड की दुकान पर कुछ देखें और कहें, ओके ये वो तस्वीर जो मैं शूट नहीं करूंगी। आप पूछेंगे मेरे नज़दीक फोटोग्राफी में आर्ट क्या है, वो है कि अच्छा ये और ये सब मैंने कर लिया, ठीक है अब वो करना है जो अभी तक नहीं हुआ। अजान की आवाज़, पान का खोखा, कचरे का डब्बा और दूसरी तमाम चीजें आई लव माई कंट्री की थीम में फिट हो जाती हैं और ये तस्वीर मुझे बेहद पसंद है। अक्सर ये होता है कि आपका कैमरा अच्छी तस्वीर की तलाश में होता है और जब वो मिल जाती है आप इसके मशहूर होते हैं, और कभी ये होता है कि तस्वीर आपके दरवाजे पर आ जाती है और दस्तक देकर बड़े प्यार से कहती है मैं यहाँ हूँ,
मुझे अपने कैमरे में कैद कर लो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कुछ तस्वीर को देखकर कहें कि ये क्या बकवास है, इसे मैंने क्यों उतारा, और कुछ को देखकर खुशी का इजहार करें। मेरे नज़दीक फोटोग्राफर या आर्टिस्ट का काम किसी को मुतमईन करना नहीं, बल्कि किसी शय के बारे में अपने जज्बात और एहसास का इजहार करना है। मैं अपने फाइन आर्ट काम पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, ये मेरी रोटी रोजी का जरिया नहीं है। अगर बिक जाए तो इजाफी आमदनी हो जाती है, और ना बिके तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कमर्शियल और शौकिया काम में वाज़ेह लकीर खींची हुई है। अगर मैं शौकिया काम पर इंसार करना शुरू कर दूं, तो उसकी तकलीफ में काफी समझौते करना पड़ेंगे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले किसी गैर मारूफ फोटोग्राफर से भी काम करा लेते हैं, जो काफी कम कीमत पर काम कर देता है। जब मेरा पहला इश्तेहार न्यूज़वीक में शाया हुआ, मैं मशहूर फोटोग्राफर नहीं था। मैंने अब तक 500-600 क्लाइंट के साथ काम किया है। बेवरेज फोटोग्राफी इंतहाई मुश्किल फोटोग्राफी है, क्योंकि इसमें जरूरत होती है बर्फ और केमिकल्स की, ताकि आप ठंडी यक बोतल और प्यास को तस्वीर में नुमाया कर सकें। ये कोई नहीं जानता कि कोक और पेप्सी के डिजाइन मेरे स्टूडियो में एक ही वक्त में बनते थे, जो दुनिया में अपनी नौयत का अनोखा वाकया है। ज्यादातर इश्तेहारी इदारे गैर प्रोफेशनल हैं, जो जाहिर तो ये करते हैं कि बड़ी रकम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी खामी ये है कि ठीक तरीके से कुछ नहीं बताया जाता, सिर्फ कह देते हैं कर लें आप। सिर्फ इतना कहते हैं ये और ये है, इसे फौरी तौर पर तैयार कर दें। मैं शूट के दौरान कभी क्लाइंट को खुश आमदीद नहीं कहता। वो कई आइडियाज लेकर आते हैं, वो मार्केटिंग और सेल्स के माहिर होते हैं, लेकिन अच्छे तख्लीककार नहीं होते। शूट के दौरान अगर कोई आकर कहता है कि मुझे सब्ज़ रंग पसंद नहीं, उसे नीले से बदल दो, तो उस वक्त तक काफी देर हो चुकी होती है और मुझे दूसरी चीजों पर भी फोकस करना होता है। हाँ, अगर कोई ज्यादा ही इसरार करता है फिर इजाफी रकम वसूल करता हूँ। मैं 20 साल से एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं गया। हाल में एक इदारे ने मुझसे राब्ता किया है, हो सकता है कि मैं ऑफर कबूल कर लूं, क्योंकि मार्केट में काफी तब्दीलियां आ गई हैं और आनी भी चाहिए। पाकिस्तानी क्लाइंट भारत जा रहे हैं, इसमें कंपनियां भी हैं और एडवर्टाइजिंग एजेंसियां भी। ये अच्छी अलामत नहीं है। इन लोगों का ख्याल है भारत में लागत कम आती है। मैं इन लोगों से इल्तिजा करता हूं कि हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तानियों से ही भावताव करें, लागत कम हो जाएगी। उम्मीद है कि अगले 5-10 साल में यहाँ फोटोग्राफी के शोबे में काफी तब्दीली आएंगी, क्योंकि लोग इसकी तालीम हासिल कर रहे हैं और इसके बारे में संजीदा हैं। जब वो इस पेशे में आएंगे तो यकीनन तब्दीलियां भी लाएंगे। पहले मैं घर वालों की तस्वीर उतारने को ही फोटोग्राफी समझता था, लेकिन अब एहसास होता है कि इससे भी आगे की कोई शय है। अक्सर ये होता है कि फोटोग्राफी के तालिब इल्म पढ़ाई के दौरान खुश नहीं होते। वो सोचते हैं इसका क्या फायदा, वो यहाँ क्यों आए हैं। तालीमी इदारे में उनकी बुनियाद बनती है, और जब वो अमली जिंदगी में कैमरे से काम लेते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि वो सही जगह पर आए थे। जब मैंने डार्क रूम स्टूडियो और फोटोग्राफी से मुंसलिक दीगर चीजें देखी तो एहसास हुआ कि मुझे इस शोबे में अभी बहुत कुछ करना है। फोटोग्राफी की तालीम में सबसे मुश्किल रोशनी के बारे में बताना होता है कि वो क्या होती है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्रोफेसर बहुत ही शफीक इंसान थे, वो मेरी उतारी हुई तस्वीर को बहुत पसंद करते थे। मेरे पास सस्ता सा कैमरा था, कोई 50 पाउंड का, ये कभी काम करता था और कभी नहीं। मैं नहीं जानता कि उन्हें मेरा काम क्यों पसंद था। तालीम मुकम्मल होने के बाद उन्होंने मुझसे फोटोग्राफी जारी रखने का वादा लिया था। आर्टिस्ट से मुतालिक तमाम इदारों को अब फोटोग्राफी की डिग्री क्लासें भी शुरू करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसी वक्त मुमकिन है जब इसका बुनियादी ढांचा मौजूद हो। जब आप अच्छी तस्वीर उतारने लगें या लोग आपके काम की तारीफ शुरू कर दें, तो फिर यकीनन ये ख्वाहिश जागती है इन तस्वीर को शाया किया जाए या फिर इनकी नुमाइश हो। नुमाइश के जरिए वो अपने काम को सामने लाता है, रकम कमाने और खुद को फोटोग्राफर के तौर पर मनवाने के काबिल होता है। मैं नहीं जानता कि बहुत से फोटोग्राफर ने काम क्यों छोड़ा। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं,
یہ پیشہ زیادہ پرانا نہیں ہے. ماضی میں کئی فوٹوگرافر محض اس لیے کامیاب رہے کہ وہ ملازمت پیشہ تھے. میرے پاس فوٹوگرافر بننے کے خواہش مند کئی نوجوان آتے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر اسے پیشے کے طور پر اپنانا نہیں چاہتے. کمرشل کام میں پیسہ زیادہ ہے اور فیشن اس کا بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ کمرشل کام میں جا سکتے ہیں. یوں یہ دو وجوہات ہیں جس کے باعث نوجوان نسل اس جانب رخ کر رہی ہے. کمیونیکیشن ڈیزائن کے طالب علموں کو اس کی معلومات زیادہ ہوتی ہے، وہ اس کے سٹائل اور اسٹوڈیو میں کام کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے ہم فرض کر سکتے ہیں عملی زندگی میں وہ اپنے کلائنٹ کی ضرورت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. یہ ایڈورٹائزنگ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں، اپنے اسٹوڈیو کھول کر فیشن کی دنیا کو اپنا سکتے ہیں، یا یوں کہنے کہ وہ فائن آرٹسٹ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. لوگ مختلف صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، یہ لوگ ہر وہ کرتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. فائن آرٹ کے طالب علم اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں اس کا تصور بہت واضح ہوتا ہے. انہیں پینٹنگ اور منیچر بنانا آتا ہے، بس ضرورت ہے تو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی. اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. میں کوئی کام کر رہا ہوں اور اچانک کوئی آ کر پوچھ لے بھائی آپ کیا کر رہے ہو، اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہو، تو یہ بہت خراب صورتحال ہوگی. کام آپ کی نمائندگی کرتا ہے اور آپ کی سوچ کی عکاسی ہے، لیکن اگر آپ اس کی وضاحت نہ کر سکیں تو پھر یہ کارگر نہیں ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا طریقہ بھی تبدیل ہوا ہے. 10 سال پہلے میں جو تعلیم دیتی تھی اس میں آج کافی فرق آ چکا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم تصاویر کے پابند ہیں. میں کوئی لیکچر دوں وہ زبانی ہو اور اس میں کوئی تصویر نہ ہو تو یہ لاحاصل ہوگا. اسکول آف ویژول آرٹ میں ہمارا انداز ملا جلا ہوتا ہے. ہم طالب علموں کو تکنیکی معلومات دینے پر زیادہ زور دیتے ہیں. زیادہ تر طلباء کے پاس کمپوزیشن کے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اگر ان کی درست رہنمائی کی جائے تو اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. جب آپ اپنی حد کو پار کر رہے ہوں یا پھر ضابطے توڑ رہے ہوں تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اس کی ABC سے بھی واقف ہوں، کیونکہ اگر آپ اس بات سے آگاہ ہوں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو یقیناً یہ کام ایک مخصوص طریقہ کار کے تحت ہی کریں گے. اگر آپ زندگی بھر اس پر انحصار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسے سیکھنا اور اس کی پریکٹس کرنا پڑے گی. اس سے وہ مقام حاصل ہوگا جہاں سے آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا. اس میں مشکلات بھی بہت ہیں. آپ جانتے ہیں بہت سے ضابطے سخت ہوتے ہیں اور انہیں توڑنا بہت ہی مشکل، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ ضابطے نہیں جانتے. یوں ان کے لیے ضابطے توڑنا آسان ہوتا ہے. خود سے سیکھنے کا عمل بہت دلچسپ ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی یہ کہاں جا کر رکے گا. فوٹوگرافی وہ شعبہ ہے جہاں تجربات اور غلطیوں کی بھی کافی گنجائش ہے. اس میں زیادہ تر آپ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں. ہاں اگر آپ نے اس میں ڈگری حاصل کی ہے تو اس کا بھی ایڈوانٹیج ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کالج آپ کو صرف تعلیم دیتا ہے جس سے خیالات میں تبدیلی آتی ہے، نگاہ وسیع ہوتی ہے اور آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدلتا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فوٹوگرافر نے تصاویر اتاری اور اس کا کام ختم ہو گیا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے پوسٹ پروڈکشن کا عمل، یعنی تصویر کو پرنٹ کرنے کا عمل. میں نے دیکھا کہ طالب علم ڈارک روم میں آ کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. انہیں یہ تجسس ہوتا ہے کہ تصویر ڈیولپر پر کیسے آتی ہے. ان کے لیے یہ بہت بہت اور بہت ہی دلچسپ لمحہ ہوتا ہے. میں اپنے ہر شاگرد سے کہتا ہوں کہ وہ وال سٹی کی تصاویر ضرور لیں، کیونکہ وال سٹی لاہور کا دل ہے اور پنجاب کا ثقافتی مرکز بھی. یوں اگر آپ لوگوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں ایسی جگہوں پر بھیج سکتے ہیں. معاشرے میں تبدیلی کے لیے فوٹوگرافر بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ لوگوں کے مسائل کو سامنے لا سکتا ہے اور ساتھ ہی خوشیوں کو بھی. اس پروگرام کا آغاز 3 سال قبل ہوا اور اس کے لیے شہر کے کئی فوٹوگرافرز بلائے گئے تاکہ وہ تصاویر کی مدد سے اس جگہ کو دستاویزی شکل دیں. مقصد یہ تھا کہ باہر سے آنے والوں کی بجائے یہاں کے فوٹوگرافر اس جگہ اور یہاں کے لوگوں کو سمجھیں، جانیں اور باہمی روابط کو فروغ دیں تاکہ ان کے اور کراچی کے دیگر علاقوں کے درمیان فاصلے پیدا نہ ہوں. چند تصاویر وہ سب کچھ کہہ دیتی ہیں جو لوگ کہنا نہیں چاہتے. ہو سکتا ہے کہ یہاں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوں جسے دیکھنے اور جاننے کا دوبارہ موقع نہ ملے. اس پروگرام میں بچوں کو بھی تربیت دی گئی ہے اور انہیں سکھایا گیا ہے کہ زندگی کو کس طرح دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ لوگ تصاویر کے ذریعے خاموشی سے وہ سب کہہ سکتے ہیں جو باوجود کوشش کے کہہ نہیں پاتے.
हमारा अगला कदम ये था, इन्हें बताया जाए कि ये तस्वीर किस तरह इनकी मददगार बन सकती हैं, कैसे इनके मसाइल को सामने ला सकती हैं और किस तरह इनकी तरक्की में मामून साबित हो सकती हैं। साथ ही इन्हें ये मौका भी देना था कि वो इससे फायदा उठाते हुए फोटोग्राफी की बारीकियों को समझें। लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि इस खत्ते में पढ़ाई का रुझान बहुत कम है, अलबत्ता लोग तस्वीर जरूर देखते हैं। मैं समझती हूँ तस्वीर की कोई सरहद नहीं होती, ये हर शय से बालातर होती है। पिक्चर एक ऐसी चीज है जो दुनिया बदल देती है। मैंने महसूस किया कि तस्वीर की वजह से थोड़ी बहुत तब्दीली जरूर आई है। हमने बहुत से यहाँ चीजें देखी जो पिक्चर ने बड़ा कुछ चेंज किया। इतवार का अखबार लाखों घरों में जाता है, लोग इसका हर लफ्ज नहीं पढ़ते, हाँ तस्वीर जरूर देखते हैं जो इन पर असरात भी मरतब करती हैं। यहाँ फोटोग्राफर की कोई भीड़ नहीं होती, उसे हर काम करना होता है, उसे फैशन फोटोग्राफी करनी है, स्पोर्ट्स भी करना है, उसको प्रोटेस्ट भी कवर करने हैं, उसको लाशों के भी ऊपर खड़ा कर पिक्चर बनाना है। बिलबोर्ड अखबारात और जराइद की तस्वीर लाखों अफराद पर अपने असरात छोड़ती हैं, यूं ये एक भारी जिम्मेदारी है। यानी आप लोगों को डिक्टेट ना करें, अलबत्ता उनके जहनों में सवालात जरूर पैदा होने चाहिए। 84 में इन्होंने शुरू किया सर्विस राइटर्स और एएफपी ने, फोटो सर्विस, वरना राइटर्स भी एपी की तरह बहुत पुरानी है। 1853 इस जमाने में कबूतर से खबरें जाती थी। चीफ फोटोग्राफर एक रजिस्टर पर नाम लिखता है कि आपने ये असाइनमेंट करने जाओ, ये फलां जगह चले जाओ। दूसरा जो फोटोग्राफर वो तस्वीर फाइल करता है न्यूज एडिटर को, न्यूज एडिटर की मर्जी है वो तस्वीर लगाए या लगाए, अगर तस्वीर बहुत अच्छी है तो न्यूज एडिटर को नहीं ये इस बात का पता। किसी अखबार में फोटो एडिटर नहीं होता, ये जिम्मेदारी न्यूज एडिटर या सिटी एडिटर निभाते हैं। फोटो एडिटर एक जॉब होनी चाहिए, सीट होनी चाहिए, जो पिक्चर जो भी आए उसके पास जाए, वो पिक्चर सिलेक्ट करके क्रॉप करके कैप्शन लिख के वो एडिटर को दे के जनाब ये पिक्चर मैंने फाइनल किया। जहाँ तक अखबार का ताल्लुक है तो वो ज्यादातर खबरों से मुतालिक तस्वीर ही शाया करते हैं, अलबत्ता अंग्रेजी अखबारात कुछ दीगर तस्वीर भी शाया करते हैं, ताहम इन अखबारात की फरोख निस्बतन कम होती है। इंग्लिश अखबार का एक ट्रेंड अलग होता है और एक लोकल न्यूज़पेपर जो होता है उर्दू न्यूज़पेपर, उसका ट्रेंड अलग है पिक्चर्स के हवाले से। अखबार के अंदर ऐसा है कि फ्रेम, खाली फ्रेम जो है ना वो अच्छा नहीं कहलाता है, मकसद है कि उसकी पूरा जो फ्रेम एक बनता है जो नेगेटिव के अंदर है वो पूरा फ्रेम भरा होना चाहिए। कि आप पिक्चर को फोटोशॉप कर लेते हैं, यानी एक स्पीकर है और एक ऑडियंस है, उनको आप जोड़ लेते हैं उर्दू अखबार के लिए। बाहर जो एजेंसीज है उसमें आप ये नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एथिक्स है कि आप, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड की तस्वीर नहीं चलती है, ठीक है, बॉडीज की तस्वीर हम बहालत मजबूरी चलाते हैं, वरना हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ पर ब्लास्ट होता है तो हमें कहा जाता है कि ब्लास्ट की पिक्चर दे दें। दुनिया में किसी जगह ब्लास्ट होता है वो लाश की तस्वीर ना बनाने देते हैं ना बनाते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान में होता है, वो कहते हैं जी डाल दो। मैंने भी सवाल किया, हमसे पूछा जनाब आप हमें जो कहते हैं डाल दें, आपके यहाँ ब्लास्ट भी होते हैं, आपने तो कभी पिक्चर नहीं डाली, क्यों? इसलिए कि आपके लोग ज़्यादा इधर परेशान हो गए, हमारे लोग परेशान नहीं होते, हम लोग भी यहाँ रहते हैं। मैंने हाल ही में एक सनती इलाके में फोटो सेशन किया था, वहाँ एक भयानक ट्रैफिक हादसा हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि मैं इसकी तस्वीर बनाऊं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगरचे ये एक मौका था लेकिन एक बुरा मौका जिससे मैंने फायदा नहीं उठाया। हाँ, अगर मैं प्रेस फोटोग्राफर होता तो यकीनन इस वाकये को कैमरे में कैद कर लेता। लोकल अखबार या मकसद जो हमारे उर्दू अखबार आते हैं, पहले इसके अंदर ये था कि स्पॉट पे बॉडी पड़ी हुई है, भले से वो खून में लगता तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। वो फ्रंट पेज पे लीड के साथ चार कालम, पांच कालम, छह कालम तक की छपी है, कराची मिस, कराची मिस पाकिस्तान में, लेकिन बाहर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 50% तो वही है काम, लोकल आप कर लें या बाहर के लिए कर लें। पाकिस्तानी फोटोग्राफर किसी भी बाहर से जो लोग काम कर रहे हैं या बड़ी बड़ी एजेंसियों में जो काम कर रहे हैं या बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं या बड़े अखबार में काम करते हैं, उनसे किसी भी तरीके से मकसद है वो कम नहीं है। और बाकी जो 50% है वो फिर आपकी वेरियस एबिलिटीज और कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर्स एवरीथिंग, यानी उसमें काउंट होती चली जाती। मैं फोटोग्राफी से पहले अतराफ का बखौर जायजा लेती हूँ,
कच्ची आबादियों में फोटोग्राफी के लिए कई तरीके अख्तियार करती हूँ। सबसे पहले इनमें अपनी साख बनाती हूँ। वो सवालात पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उसके मकासद क्या हैं। ताहम ये आसान काम नहीं, अलबत्ता ये उस वक्त आसान हो जाता है जब आप बार बार वहाँ जाते हैं, क्योंकि इस तरह से आप उनका हिस्सा बन जाते हैं और वो आपको समझने लगते हैं, वो आप पर भरोसा करते हैं। फिर मैं फोटोग्राफी शुरू कर देती हूँ और उनके हसीन लम्हात को कैमरे में कैद कर लेती हूँ। इस तरह जो फोटोग्राफी होती है उनमें रिश्तों की मिठास भी शामिल होती है। यूं उन लोगों में रहकर जो कहानी बनती है वो 100% हकायक पर मबनी होती है और उनके असल मसाइल सामने आते हैं। मैं अक्सर उन लोगों के बारे में सोचकर अफसरदा हो जाती हूं कि उनके पास ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही जिंदगी की दीगर सहूलियात, लेकिन साथ ही ये उम्मीद करती हूं कि मेरी उतारी हुई तस्वीर को देखकर लोगों को उनके मसाइल से आगाही होगी, क्योंकि आगाही इल्म के मानिंद है जिसे जितना हो सके फैलाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि फोटोग्राफी पाकिस्तानी माशरे सकाफत और मुकामात को दस्तावेजी शक्ल देने का नाम है। भुट्टो साहब अच्छी शख्सियत थे और हमारे फेवरेट थे, हर नौजवान के फेवरेट थे। 60s की बात है, उनके साथ वो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, क्योंकि वो मुझे छोकरा कहते थे। छोकरे कवरेज के लिए भरोसा, पार्टी लीडर जो होते हैं उनको प्रॉब्लम ये होता है कि कोई ऐसी तस्वीर ना बन जाए जो बाद में कोई स्कैंडल बन जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ये लोग हम पे बहुत भरोसा करते रहे 70s से लेके और अब तक। इसमें जो भी कवरेज पार्टी की है मुझे कभी दिक्कत नहीं। बीवी हमारे से बड़ा वो रखती थी और पहला विजिट था उनका, बड़ा दिलचस्पी था, इसलिए कि बगैर दुपट्टे के वो चली हमारे साथ एक मिलाद में। जब हमने रिमाइंड कराया कि वो औरतों में जा रही हैं, अगर दुपट्टा नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं समझेंगे आपको, खासतौर पे जब मिलाद की महफिल है, तो आधे रास्ते से फिर वापस आए थे दुपट्टा लेने के लिए। 80% जो पिक्चर्स उनके आने की मुख्तलिफ सूरतों में नजर आई आपको जगह जगह, वो मेरी थी। और मेरे साथी अक्सर ये कहते हैं कि ये तो आपकी एग्जीबिशन है। काफी लोगों को कवर किया, पाकिस्तानी सियासी लोगों को, बड़े से बड़े, बेनजीर के अलावा भी बहुत सारे लोग। तो लोग कभी इस तरह मकसद के बात नहीं करते, समझते नहीं है बात को कि मीडिया की क्या जरूरत है, क्या नहीं है, उसे किस टाइम आप मकसद है कि इसको कोई साफ या बातचीत कर रहा है तो क्या करना चाह रहा है। तो लेकिन उनको इन सब बातों का बड़ा आइडिया था ना, कुछ हम उनसे जो भी काम करते, बीबी वेब्स कर दें, बीबी यहाँ खड़ी हो जाए, अब वन शॉट हम बना रहे हैं जैसे बीबी गई, अब जैसे लोग रोकते थे तो मुझे कितना एडवांटेज मिल गया था इतने अरसे में कि मकसद मुझे कोई आगे जाने से रोकता नहीं था। मैं बिल्कुल जैसे बीबी स्पीच कर रही है रोस्टम पे खड़ी हुई, तो मैं बिल्कुल आगे चला जाता था ना, वहाँ जाके उनको शूट करता था ना। इसमें आपकी कोशिश का भी अमल दखल होता है। आप फोटोग्राफी बंद करके सूरत हाल का जायजा लेते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि क्या हो सकता है, और हो सकता है कि वहाँ कोई रिएक्शन हो रहा हो। तो कारसाज पे ब्लास्ट हो रहा है टाइम मैगजीन में, मैं ब्रिज पे खड़ा हुआ था कारसाज वाले ब्रिज के ऊपर, तो वो एकदम जो है वो कैमरा लगाया हुआ था, एकदम एक धमाका हुआ, निकला है सारे सारा जुलूस जो था उनके साथ साथ था, धमाका हुआ तो जाहिर एकदम उसमें आ गया कि क्या हो गया, तो कैमरा ऊपर ही लगा हुआ था। अभी एक ही हुआ था तो देखा लोग पड़े हुए, आग लगी है गाड़ियों में, भाग रहे हैं, जख्मी बॉडियां पड़ी हुई वहां पे, बहुत दर्दनाक मंजर था। जहाँ जाती थी लोग, पब्लिक, कारकुन, मकसद, हर आदमी बोलता था बस एक उनकी झलक देख लें। घड़ी खुदा और मजार के सामने पहुंचे और सामने से पता चला कि एम्बुलेंस आ रही है, उसमें बीबी की बॉडी आ रही है। बड़ी मुश्किल से भुट्टू साहब का जो मजार है उसकी जो छत बनी है ना, सेकंड छत, वो तकरीबन 11-12 फुट ऊपर है। मैंने कहा मैं यहाँ चले जाऊंगा तो मेरी पिक्चर बन जाएगी, वरना मेरा आना फजूल हो गया। गाड़ी साहब जो है ना, वो गाड़ी के गेट पर खड़े थे, लोगों से मिन्नतें कर रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे कि आप लोग हट जाओ, हमें ये अंदर ले जाने दो, कफन उतारने दो। लेकिन लोग ऐसे उनको ये बस वो कह रहे थे कि बीबी की हम आखिरी दीदार करना चाहते। तमाम पूरा क्राउड आ रहा था, कफन आ रहा था, बिलावल और जरदारी सब मेरे एक फ्रेम के अंदर आ रहे थे। इस कबर में उतारना था, वो कबर पूरी आ रही थी। बिलावल वहां बहुत रो रहा था, बिलावल की कंडीशन बहुत खराब थी, उसे बहुत दुख था। जाहिर है उसकी तो वालदा थी, उनको दफना दिया गया। फिर उसके बाद लोगों ने धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया वहां पे, बच्चे, बड़े, औरतें, सब मकसद इस तरह रो रहे थे कि अजीब सी आवाजें आ रही थी ना। स्पोर्ट्स तो अब जो है ना बहुत ज्यादा जदीद हो गया है, बहुत फास्ट दौर है।
एक पिक्चर आपने अच्छी बनी है, आपने फॉरन ट्रांसमिशन करनी है। एंगल होता है कवर करने का अच्छा, और टाइमिंग होती है इसमें सबसे पहले। एक मतलब देखें, एक बॉलिंग की उसने एक्शन एक्शन से अगर वो आप उसको नहीं पकड़ सके, बोल्ड किया उसने, तो इसका मतलब आप टाइम को तो नहीं पिक कर सके, उसमें सिर्फ टाइम को पिक करना है आपने। फिर आपकी सिलेक्शन जो है ना वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि आप पहले नेगेटिव में तो आप दो शॉट बनाते थे, तीन शॉट बनाते थे, अब डिजिटल में तो ऐसा है कि 15 शॉट कंटिन्यू बनते हैं, 10 शॉट कंटिन्यू बनाता है कैमरा, फिर आप लगे में तो आप बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब जब आपने लगाया तो 200 फ्रेम है आपके पास, अब आप 200 फ्रेमों से आपने 4 तस्वीरें निकालनी है और आपके पास टाइम भी कम है। यहाँ पे फोटोग्राफर की देखी जाती है कि वो कितना फास्ट काम कर सकता है, सिलेक्शन कितनी जल्दी, अच्छी सिलेक्शन कितनी जल्दी कर सकता है। ये जो प्रोफेशन है ये ऐसा है कि इसमें 50% आपकी मेहनत है और 50% लक है। पाकिस्तान में खवातीन फोटोग्राफर्स की भी अशद जरूरत है, ताकि खवातीन का नुक्ता नजर सामने आ सके, क्योंकि ये भी इस मुल्क और माशरे का निफ्स हिस्सा है। इस पेशे में मर्दों की अक्सरियत है, क्योंकि वो मुल्क और माशरे का निफ्स हिस्सा है। फोटो जर्नलिज्म बस अब तो घसीटा घसीटी है, खेचली अच्छी है, खेचली बुरी है।